हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पार्क के मुबारक मौके पर साक्षरता चौक के सामने ताज दरबार में 17 मार्च गुरुवार की शाम बाबा ताज का दरबारी शाही संदल पूरी शान और शौकत के साथ निकाला गया। ताज दरबार कमेटी के गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक दरबार की संचालिका व स्थापिका हज्जन बदरुन निशा ताजी व ताज अंजुम ताजी के जानिब से पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संदल में धमाल डीजे की धुनों पर घोड़ों की चाल भी देखने लायक थी, साथ ही बाबा ताज की पालकी के दीदार करने के लिए लोगों का हुजूम हजारों की संख्या में उमड़ पड़ा। संदल जहां जहां से गुजरा लोगों ने आगे बढ़कर बाबा ताज की पालकी के करीब आकर अपनी अकीदत पेश की। पूरे इलाके का गश्त करने के बाद संदल वापस ताज दरबार पहुंचा, जहां बाबा ताज के आस्थाने पर संदल की चादर और फूलों की चादर पेश की गई। बाबा ताज को सलाम पेश करने के बाद जायरीनों के लिए खास दुआएं भी की गई, जिसमें सभी परिवारों की खुशियां और रोजी रोटी के लिए दुआएं मांगी गई। ताज दरबार के गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ताजी का गुलाबों की हार से इस्तकबाल भी किया गया। वहीं ताज दरबार कमेटी की अध्यक्षा हज्जन बदुन निशा ताजी और गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ताजी ने कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को दी। आज 17 मार्च 2022 का बाबा ताज का सारा लोग उसका शाही संदल बड़ी शान शौकत के साथ निकाला गया। ये 27वां सारा लोग उस है, जब से दरबार बना है जब से ये शाही संदल हमारे ही द्वारा निकाला जाता है। कमेटी के द्वारा कमेटी पूरा साथ देती है, जायरीन लोग और उनके आने वाले अकीदतमंद सब इसमें शामिल रहते हैं और ना हम किसी से चंदा लेते हैं। लंगर भी किया गया, आम लंगर का इंतजाम था और संदल भी बहुत धूमधाम से निकाला गया। और ये संदल शाही संदल ये हम ही निकालते आ रहे हैं, हमारे से कोई नहीं निकालता। भिलाई ताज दरबार में 27वां उर्स पार्क इस बार मनाया गया। इस मौके पर दरबारी शाही संदल शान शौकत के साथ निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और बाबा ताज की दुआएं। इस मौके पर यहाँ पे आम लंगर का एहतमाम भी किया गया, जिसे जायरीनों में तकसीम किया गया। संदल पेश होने के बाद यहाँ पे चादर पेश की गई और फातिहा खानी की गई। शहर के सभी लोगों के लिए, प्रदेश के सभी लोगों के लिए यहाँ पे अमन की चैन की दुआएं की गई और यहाँ से दुआएं मिलते रहने की, हमेशा सबको सलामती की भी दुआएं की गई। वहीं आखिरी कड़ी के तौर पर आम लंगर का एहतमाम भी ताज दरबार कमेटी की जानिब से किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में बाबा ताज के मुरीदों सहित उन्हें मानने वालों ने शिरकत की और इस मुबारक मौके के गवाह बने। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।